हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि IIT गांधीनगर में जो इंटर्नशिप आई है, समर इंटर्नशिप, उसमें कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैंने बताया है कि फॉर्म की को कैसे अप्लाई किया जाए ताकि उसमें कोई गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि जो इंटर्नशिप आई है उसकी डेट क्या है, शुरुआत कब से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इंटर्नशिप की डेट जो है 7 मार्च से है। ठीक है, तो 7 मार्च से हम अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, ठीक है, वो 25 मार्च है। उसके पहले हमको अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक्स का रहेगा, मतलब 2 महीने का है। ठीक है, 2 महीने आपको वहीं रहना है। ठीक है, IIT गांधीनगर में आपको वहीं कैंपस में काम करना पड़ेगा। देखो, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको जो IIT गांधीनगर की फैकल्टी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो, आप फैकल्टी कैसे चूज करेंगे, ये लिंक दिया हुआ है कि ये वाला है प्रोजेक्ट्स वाला, इसमें आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो इस समय IIT गांधीनगर में रन हो रहे हैं। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट देखना है, उसका कोड देखना है कि प्रोजेक्ट कोड क्या है और उस प्रोजेक्ट को कौन सुपरवाइज कर रहा है, उसकी फैकल्टी कौन सी है। ये सारी चीज़ें ध्यान एक जगह नोट कर लेनी है, क्योंकि जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई वाले लिंक में आप जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इस IIT गांधीनगर में इंटर्नशिप का एक सबसे बड़ी यूनिक चीज़ ये है कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, आपका इंटरेस्ट किसी जिस सब प्रोजेक्ट में है, आप उसमें कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप या जियोलॉजी से हैं या कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं, तो उसी से करें। आपको जो प्रोजेक्ट पसंद है आप उससे कर सकते हैं। तो आगे बात बढ़ते हैं। देखो, ये जो इंटर्नशिप है वो ऑफलाइन मॉडल में होगी। ठीक है, तो आपको वहीं कैंपस में रहना पड़ेगा और वहीं के फैकल्टी मेंबर्स जो आपका सुपरवाइजर होगा उसके साथ रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये जो इंटर्नशिप है, यदि आप IIT गांधीनगर के हैं, यदि IIT गांधीनगर के नहीं हैं, सबके लिए एलिजिबल है, आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी तब आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, देखो, स्टाइपेंड जो है वो 2000 वीक पर वीक है, 2000 रुपये पर वीक, जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी कर सकता है, लेकिन आपको स्टाइपेंड तभी मिलेगा जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप बीच में इंटर्नशिप छोड़ के चले आते हैं तो आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट तो आपको तभी मिलेगा जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे। जब इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, और एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी आपके समर इंटर्नशिप की, आपने क्या काम किया। समर इंटर्नशिप की रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे अपने सुपरवाइजर के पास और प्रेजेंटेशन देंगे कि आपने क्या सीखा, क्या आपने काम किया, इन सब सारी चीज़ों को लेके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बातें हैं। आपको वीकली स्टाइपेंड मिलेगा 2000 रुपये का। ठीक है, लेकिन आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तभी दिया जाएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है। और इन्होंने आगे बताया है कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो IIT गांधीनगर की फैकल्टी फंड करेगी, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है जो स्टाइपेंड है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी कर सकता है कि जो फैकल्टी प्रोजेक्ट को फंड कर रही है उसके बाद फंड कितने हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। आपको हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी जो वहाँ पे एप्लीकेबल होगी आपको।
वहाँ IIT गांधीनगर, ऐसा आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप रहेंगे कहाँ, क्योंकि IIT गांधीनगर आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराएगा। और आप कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन पोस्ट के थ्रू भेजने की ज़रूरत नहीं है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही होगी। तो आगे बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो उसका एक स्नैपशॉट है, इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फैकल्टी आ जाएंगे, बहुत सारे नाम होंगे जिन जो प्रोजेक्ट रन कर रहे होंगे, जो सुपरवाइजर्स। तो आप पहले वाले लिंक से, जहाँ से प्रोजेक्ट का लिंक दिया हुआ था मैंने, उसमें जाके आप देख लेंगे कि आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट कौन सा है। उसकी सारी डिटेल्स नोट करने को मैंने बोला था, सारी नोट कर ली। तो अब आपको पता है कि कौन फैकल्टी है, तो आप उसमें से फैकल्टी चूज कर लेंगे, उस प्रोफेसर का नाम चूज कर लेंगे जिसके अंडर में आप करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है ना, एक प्रोफेसर के अंडर में कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो आपने प्रोजेक्ट कोड भी चूज वहाँ नोट डाउन कर लिया था कि कौन सा प्रोजेक्ट कोड है। तो आप इसमें जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आ जाएगी कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको उसमें अपने चॉइस का प्रोजेक्ट चूज करना है, जो आपने पहले से चूज करके रखा वो कोड आपको चूज करना है। अब उसमें प्रोजेक्ट कैकल आ जाएगा, अब प्रोजेक्ट कैकल चूज कर लेना। ये इंटरन आईडी अपने आप यूनिकली असाइन हो जाती है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, फ़ोन, ये तो लाइन लाइन है, इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी कंफर्म, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा। परमानेंट सिटी, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री, कौन सी डिग्री इस समय आप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कौन सा आपका, आपका कॉलेज का क्या नाम है, और आपने किस साल कॉलेज ज्वाइन किया था, इस समय जो आप प्रेजेंट डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसमें आपने कब एडमिशन लिया था, ये आपको बताना है। अब कॉलेज का एड्रेस, अब आपको बताना है इस परसेंटेज था कि CGPA था। अब आगे जेंडर, मेल फीमेल या अदर, और ये पूछ रहे हैं कि विल यू बी अपल टू कम्प्लीट 6 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप बिटवीन अप्रैल टू जून, यस करके। यहाँ पे आपको SOP लिखना है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में, जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है यहाँ पे, उसमें क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा गूगल करके सर्च करके अच्छी SOP लिखिएगा, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है।